पे लॉकडाउन लगा था तो सबके क्या हालत थी, वो सब कैसे कर रहे थे, सब लोग इसी उसमें जुड़े थे कि वो कैसे कैसे ना कैसे अपने घर पहुंच जाए। और जब घर पहुंचे तो हर जगह ऐसा माहौल था कि बस यही लग रहा था कि पता नहीं दुनिया बचेगी या नहीं बचेगी। इसलिए पढ़ाई तो दूर की बात है, सिर्फ लॉकडाउन बचाने के लिए और अपने घरों में बैठे रहते हर टाइम जो टीवी पर न्यूज आ रही थी वो यही आती थी आज उसकी डेथ हो गई, आज इतनी लाशें आई है, आज इतनी लाशें आई है। गंगा में जो हुआ, जो यमुना में जो लाशों का अंबार आपने देखा और जो हॉस्पिटल भी उसमें ऑक्सीजन की जो कमी हो रही थी या वहां से जो लाशें लोगों को उनके जो पेरेंट्स हैं उनके जो नियर डियर है उनको नहीं दी जा रही थी, आपने वो सब देखा था। क्या उस दौरान जो पढ़ाई का माहौल था, क्या माइग्रेंट जो माइग्रेंट थे उनका जो माइग्रेशन हुआ क्या वो उनके लिए पढ़ाई का माहौल था, उनके बच्चों के लिए, क्या जो माइग्रेंट्स हैं तैयारी नहीं करते किसी एग्जाम की उनके बच्चे नहीं करते, ऐसे में जो इंटरनेशनल माइग्रेंट थे वो भी यूपीएससी का एग्जाम देते हैं लोअर लेवल का नहीं, तो उसमें हमारे कई साथी ऐसे हैं जो सऊदी अरब के आगे में जॉब करते थे और इस दौरान वो डिस्टर्ब हो गए और ये एग्जाम नहीं दे पाए। जो स्टूडेंट उस टाइम फ्रंटलाइन वर्कर के एसेंशियल सर्विसेज में थे, क्योंकि आईएएस के मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो पहले से वर्किंग होते हैं किसी न किसी नए पोस्ट पर, और इस दौरान वो 24/7 ड्यूटी कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि पहले टेस्ट पहले है उनके ड्यूट जो है वो बाद में है। लेकिन गवर्नमेंट ने जब उनसे बात की गई, सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई, तो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा भी कि भाई वो उनको टाइम देंगे, लेकिन उसके बाद उनकी कोई डिमांड नहीं सुनी गई और ना तो लोग कोचिंग सेंटर तक पहुंच पाए क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव थे या फिर वो क्वारंटाइन थे क्योंकि उनकी फैमिली मेंबर से किसी का मन होता या फिर वो ऐसी सिचुएशन में थे कि उनके घर की जो इनकम है वो खत्म हो गई थी, उनको कोई ऐसी अनऑर्गेनाइज एक्टर की जॉब करनी पड़ी जिसमें चाहे फैमिली लगाना हो चाहे चाय बेचना हो या कोई और छोटे मोटे वर्क करने हो अपने घर को चलाने के लिए, या फिर उनके किसी ऐसे नियर डियर की डेथ हो गई थी कि एक मेंटल जो ट्रॉमा था उसमें लोग पहुंच गए थे। इस दौरान बहुत सारी लड़कियां जो है स्पेशली उन्होंने तो सबसे ज्यादा हार्डशिप की है, क्योंकि जब भी सोसाइटी में कुछ ऐसी हार्डशिप आती है तो सबसे ज्यादा जो है उसका भार फीमेल के ऊपर पड़ता है। कितनी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस की जो रिपोर्ट आ रही है वो फीमेल ने ही सहन की है। क्या ऐसे माहौल में तैयारी करना जायज था? और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन रिलैक्स हुआ सबसे पहले दारू के ठेके खुलने लगे और दारू के ठेकों से जो लोग लेके जाते हैं तो उसका जो स्ट्रेस होता है वो कौन सहन करता है, बच्चे और जो उस घर की जो फीमेल होती है। तो क्या ऐसे माहौल में कोई भी फैमिली जो है उसकी जो स्टडी का माहौल बनता है जिसमें हर तरह की प्रॉब्लम मेंटल स्ट्रेस है, जॉब लॉस हो गई है, नशे की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ गई है, इनकम जो है वो खत्म हो गई है, बाहर आप निकल नहीं सकते हो, बाहर निकलोगे तो आपको यही डर रहेगा कि कहीं कोरोना ना हो जाए, तो इस दौरान सभी जो वर्क के जो स्टूडेंट है चाहे मजदूर वर्ग से थे जिनके बच्चे तैयारी करते हैं माइग्रेंट थे चाहे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो दुकानदार है उनकी इनकम खत्म हो गई थी, उनके जो बच्चे हैं या वो अदर कैटेगरी के हैं सभी ने हार्डशिप इसमें फेस की है और हर एग्जाम की जो तैयारी की जो एज होती है या प्रयास होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो इस दौरान अगर आर्मी में 18 से 21 साल की एज है उसमें 5 साल लगते हैं किसी एग्जाम मिलते हैं आपको और उस 5 साल में 1-2 साल बाद में आपका अवेयरनेस आती है और 2 साल जो है उस कोरोना में खत्म कर दी, बाकी बच्चे आपके पास 1 साल। क्या उस 1 साल में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की जा सकती है जिस लेवल का कंपटीशन है? और कंपटीशन तो है लेकिन करप्शन जो है उसने कंपटीशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है जिसमें उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है जो पहले से रिसर्च हुए हैं, जो 17-18 लाख है उन्हीं के बच्चों का सिलेक्शन होता है और आम आदमी के बच्चे मुखर्जी नगर में 25 गज के कमरे में सोच के चले इस बार नहीं अगली बार हो जाएगा अगली बार हो जाएगा और यही सोचते एक दिन उनका जो भी महीना अधूरा रह जाता है। और लोकतंत्र की जो भागीदारी का मतलब है वो सिर्फ ये नहीं है कि वोट भरना ही लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब है कि देश में पार्टिसिपेशन, देश के हर काम में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जुडिशरी है अपर लेवल पे सबको पता है कि किसका सिलेक्शन हो सकता है किसका नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नॉर्मल जो जजेस से संबंधित नहीं है या किसी अपर घराने से लिए अभी तक कोई जज नहीं है, मीडिया जो है पहले से पता
इस इशू को सुन के और इग्नोर ना करें, उसको फील करें कि उस दो साल को फील करें जब आपने अर्सी से फेस लिया। साथियों।